आओ मुजाफिर, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, चलो यहाँ बैठकर बातें करते हैं। आओ चलो बैठो। नहीं, 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 आप यहाँ बैठिए, पता नहीं यहाँ पर कितने लोग बैठे होंगे, आप आराम से वहाँ पर पेपर पर बैठिए। तुम कितना अच्छा सोचते हो, पहले पता रहता तो मैं कुछ बना कर ले आती घर से, कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाता तो मजा ही आ जाता, हम बहुत एंजॉय करते। अरे कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम लेकर आ जाना। हाँ क्यों नहीं, मैं शुरू करता हूँ। माय डियर मॉम, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात सुनने के लिए इतना टाइम निकाला। मेरी प्यारी मॉम, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, प्लीज बीच में मत बोलिए। देखिए आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे अच्छा, पढ़ने दीजिए। बोलो। मेरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी डैड की हेरिटेज, मेरे प्यारे डैड की हेरिटेज, तो मैंने जो इसमें लिखा है वो ये है कि मेरे डैड की हेरिटेज। बेटा तुम उस पेपर से क्या बोले जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसा कि आप जानती है, जो मेरे डैड की हेरिटेज है उसमें मेरा भी हक है। खुलकर बताओ बेटा ठीक से। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद टाइपिंग एरर हुआ होगा। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं हेल्प करूं? मेरे लिए या मेरी वजह से, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर ऐसे कुछ। तो मुझे मुझे अपनी मॉम को जान से मारना होगा। रुकिए मॉम, कहाँ जा रही है, अभी बाकी है। एहान तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिसेस आइसुन, मैं बस इस पेड़ को देख रही थी और कुछ नहीं। क्या ये एप्पल का पेड़ है, आपको पता होगा ना? बस मैं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम, यही कि इस पेड़ का नाम क्या है? फ्रूट तो नहीं है। हाँ कोई फ्रूट नहीं है, मैं जानती हूँ। बस अब मुझसे नहीं होगा इनफ। आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने आपके बेटे को इस पेपर में सब कुछ लिख कर दिया, लेकिन फिर भी वो लिखी हुई बात ठीक से पढ़ नहीं पाता। हाँ तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। आपका बेटा आपकी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग रहा है, उसे अपना हक चाहिए बस, और कुछ नहीं। बेटा ये क्या कह रही है, मेरे जीते जी तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मॉम सुनिए, आप ऐसी बातें मत करिए, उसका कहने का मतलब वो नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, वो ये नहीं कहना चाहती थी, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर ये क्या कहना चाहती है? देखिए मॉम, वो ये कह रही थी कि हमें 60,000 चाहिए क्योंकि मिसेस निहात की दुकान छिन गई है और उनके फ्यूचर सन इन लॉ होने के नाते मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं थोड़ी सी। हाँ तो कोई बात नहीं, ढूंढने दो उन्हें, उन्हें जिससे मर्जी शादी करवा सकते हैं। मैंने सोचा था हम दोनों मिलकर यहाँ ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन तुमने मुझे अपसेट कर दिया है बेटा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे एक मिनट भी नहीं रुकना, और तुम ही हो जो मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही हो। मैंने तो सिर्फ मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ, और तुम जल्दी घर आओ। यकीन नहीं हो रहा तुम इस लड़की के साथ कैसे बैठते हो, मुझे नहीं लगता मुजफ्फर तुम कर पाओगे। बड़ा कर रही है, हिस्से वाली बात बेकार निकली। सफर कर रही बात सुनो, मैं कह रही हूँ अभी भी तुम इस प्लान को ड्रॉप कर सकते हो। तुमने मुझे रुला ही दिया था यार, ये क्या मजाक है। मिस सेलिन मैं ये वाली फाइल रख देती हूँ, हाँ और ये वाली भी। ऑलराइट ऑलराइट, यू कीप वर्किंग। ऑलराइट सनम, यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने इंस्पेक्शन में गड़बड़ करने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बात सही है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं ये सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही हूँ, वैसे भी आप जानते हैं मुझे ये सब नहीं आता। गुड, आई ट्रस्ट यू ओके सनम। मी टू। ऑलराइट, क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे किसी ने कॉफी गिरा दी है? ठीक है, मैंने गिराई है इसे। ठीक है, जल्दी से उसे साफ करो, जल्दी। हाँ, जल्दी। हाँ, कर रही हूँ, जाओ यहाँ से अभी के अभी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे जैसे लाखों केसेस हैं मेरे पास, तुम बस एक लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे थे, बस एक छोटी सी लेटर तो थी, तुम ठीक से एक मिनट रुको, पता नहीं वो चाहती क्या है। तुम चुप रहोगे प्लीज, मेरा कॉल आ रहा है। क्या बात है, किसका कॉल है? तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? हाँ सनम है, सनम है, सनम है, सनम का ही कॉल होगा। हेलो, हाँ सनम बोलो। वो मुझे कंपनी की रेपुटेशन डाउन करनी है, तुम मेरे लिए चूहा ढूंढ सकती हो प्लीज? क्या कह रही हो, कंपनी का रेपुटेशन डाउन करना है, क्या कह रही हो, तुम्हें चूहा चाहिए? हाँ कोई भी चलेगा, छोटा मोटा कैसा भी, बस एक चूहा चाहिए, ढूंढ लूंगी ना। हे सनम, तुम जानती हो ना मुझे चूहों से कितना डर लगता है, अब मैं इस चूहे को कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी यार? होलसेलर हलील की शॉप पर मिल जाएगा, या फिर मोहल्ले के बच्चों की शॉप है ना, वहाँ देख लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। अयान Thank you.
ये कर पाओगे ना आयहान। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, तुम मेरे लिए एक चूहा लाओ। हेलो, अरे यार, क्या 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 बहुत सारे काम करना है, क्या बोल क्या रही हो तुम? तुम्हें पता है हम कितने बड़े प्रॉब्लम में, हमें कितने सारे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे? वो सब छोड़ो यार, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमें एक चूहा पकड़ना है। मैं यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ और तुम वो की चूहा पकड़ने की बातें कर रही हो? क्या करोगी क्या तुम चूहे का, चूहे की दुकान खोलोगी? सैनम को चूहा चाहिए। अच्छा, सैनम को, फिर ठीक है। अब टेबल क्लॉथ लो और मेरे साथ चलो। इंस्पेक्शन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैटिन, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो सच में डैड को बहुत ज्यादा खुशी होगी इस बात से। बाय द वे, वो है कैसे? बहुत अच्छे हो, इटली में अभी, मेरी रोज बात होती है उनसे। गुड। हे मैन, सब ठीक है ना? कल रात को टेंशन में दिख रहे थे तुम। अच्छा मैटिन, तुम काम से काम क्यों नहीं रखते हो यार, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात को लेकर? अच्छा ये देखो कुछ डिजाइन से देख लो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग का अरेंजमेंट करता हूँ, मैं फोटोज क्लिक करूंगा और आके फिंगरप्रिंट करा लेगा, ठीक है? सुपर। मिस्टर जान, मैं चाय पी रही थी, सोचा आपको भी ऑफर कर लूं, आप चाय पियेंगे? थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए आपको, एनीथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू सो मच। See you then. Hey जान, क्या बात है? कल रात को भी तुम अजीब बिहेव कर रहे थे, इस लड़की के साथ चक्कर है? मैटिन, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, समझे? सब कुछ सही है, ओके? ओके। सनम, तुमने क्या सोचा, क्या करने वाली हो तुम? Well, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, डोंट वरी। गुड। सुनो डियर, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तुम प्लीज उसके यहाँ से शॉपिंग मत करना, ओके? प्लीज। बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है ये, गांधी जी के तीन बंदर, मेरा बिजनेस बंद करवाओगे क्या तुम लोग मिलके यहाँ पे? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि जो बन पड़े वो कर लो, हवाई हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया मेयूकी में। माय गॉड, कितने बेशरम आदमी हो तुम लोग, यहाँ पे खड़े होकर तुम लोग। अरे तुम चले जाओ ना, हम क्यों जाए, वैसे भी ये रास्ता पब्लिक प्लेस है, हम जो चाहे वो कर सकते, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हे, तुम जरा जबान संभाल के बात करो, ये हमारे पड़ोसी है, समझे? माय गॉड, शांत हो जाओ प्लीज। बदतमीज कहीं के, जबान संभाल कर बात करो, ये हमारी पड़ोसी है, समझे तुम? कैसे लोग हो आप, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बेटे को लूटना चाहते हो? अपने आप को समझते क्या हो, क्या चाहते हो तुम? लूटना चाहते हैं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सिर्फ फिर ही औरत, मेरी बात सुनो, वैसे ही मैं बहुत अपसेट हूँ, अगर तुमने एक शब्द ही और कहा ना तो मेरी सारी भड़ास तुम पर निकल जाएगी। ये बात तो सच है कि तुम्हारी दुकान अब बंद हो गई है, इसलिए अब तुम मेरे बेटे से पैसे मांग रही हो। अपनी बकवास बंद करो, हमें हमारी शॉप वापस चाहिए बस, इसके अलावा हमने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, समझी? जाके अपना काम करो, हम इसे देख लेंगे। माय डियर सिस्टर, वेलकम, आज के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, हर प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट है और डिटर्जेंट पे 10% एक्स्ट्रा, प्लीज कम। आई सुन, नहीं, मत जाओ। वाह, बहुत अच्छा हुआ, मैं जरूर चेक करूंगी। देखो तो उसे, कैसी औरत है ये, पड़ोसी ऐसे होते हैं क्या? फ्री मार्केटिंग करवा दिया, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए चले जाओ यहाँ से। तुमने देखा ना उस आयसन को, तुम ठीक हो ना नेहा? हाँ, तुम चलो। सनीम, तुम खाना खाने चलोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। चलो ठीक है, मिलते हैं, लंच कर लो। सनम, आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुमने मुझे डरा दिया।
मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ हार्मफुल चाहिए। वैसे भी प्लास्टिक बोतल से कोई पानी नहीं पीता, और वैसे भी सैना मुझे इस वक्त ऐसी चीज की जरूरत है जो कि रिसाइकलेबल हो। So nice of you. तुम इसे वेरी नाइस कह रही हो, तुम मेरी सिचुएशन जानती भी हो। अगर मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ हार्मफुल नहीं मिला ना, तो मिस जैरन मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये चलेगा क्या? ये चलेगा, बताओ ना मुझे, ये चलेगा क्या? नहीं, इसे देखो, ये प्लास्टिक का है, चलेगा? वो तो क्रिएटर का सिंबल लग रहा है ना, और वैसे भी ये ग्लास से तो नहीं बन सकता। तुम शायद सही कह रही हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ? हाँ, ये पेंसिल, इसमें लेड है ना, पेंसिल में लेड होता है और वो हार्मफुल भी है। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ओ, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये काम करेगा नहीं करेगा, भागता हूँ यहाँ से। ये लिपस्टिक है ना, हाँ लिपस्टिक कहाँ गई? ये रही, हाँ ये देखो, ये तो तुम यूज करती हो, ये तो हार्मफुल ही होगी ना, मुझे याद है ये एनिमल्स पर यूज की जाती है। और ये तो हार्मलेस प्रूव भी हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बताओ सैना, मैं क्या करूँ? एक काम करें क्या, चलो चलकर प्लास्टिक बोटल्स वाला पानी लेकर आते हैं। पानी पीकर हम बोटल्स को रिसाइकल बिन में डाल देंगे और क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जे जे, आर यू ओके? नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये नई एजेंसी बहुत ज्यादा नेचर फ्रेंडली है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, देख लेना। अब किस चीज की फिक्र में परेशान हो अपने हेयर स्टाइल के? परेशान मत करो। ओह, आई कांट। एक्चुअली मुझे उतरे हुए चेहरों को देख के बहुत खुशी मिलती है। मैं ऐसा ही सिक बंदा हूं, अब क्या करूं मैं? मिस्टर जान, वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। रियली? लेट्स गो देन, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलने चाहिए। लेट्स डू दिस। वेलकम। थैंक यू। हेलो, आई एम जॉन देवित, नाइस टू मीट यू। तो चलिए, मैं आपको हमारी कंपनी का साइट विजिट करवाता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आई एम सॉरी, लेकिन आज हमें आपका टाइम चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी बहुत मेटिकुलस है। हाँ, प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी आर रेडी। सबसे पहले हम 2 घंटे तक आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये मेरा भाई है एमरे, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए और मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलता हूँ। मैं चलता हूँ आपके साथ। देखिए सर, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत सारी होप्स लेकर आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। हमारे मोहल्ले में एक भी चूहा नहीं मिला और मुझे पूरा यकीन है यहाँ एक चूहा तो जरूर मिलेगा। हमें सिर्फ एक छोटा सा चूहा दे दो प्लीज। दूर हो जाओ मेरी नजरों से प्लीज। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? तुम लोग खड़े हो गए क्या, काम देख रहे हो? हम जाओ, अपना काम करो, जाओ। भाईजान सुनिए ना, आपके यहाँ 2 चीज तो कंपलसरी होती होगी, एक टैक्स बोर्ड और दूसरा चूहे। हमने मीडिया से न्यूज सुनी है, आई एम श्योर कि आपके यहाँ चूहे तो होंगे ही होंगे। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है चूहों की। आइए बताइए कहाँ है। यहाँ पर कोई चूहा नहीं है, वो नहीं आ सकते यहाँ पे, समझे? मुझे ठीक से पता तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चूहा किसी भी कॉर्नर से निकल सकता है। हमें चूहा निकलने पर ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, तुम पागल हो, यहाँ पर कोई चूहा नहीं है, मेरा प्लेस क्लीन है, तुम कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना मेरे लिए, समझी? देखिए भाईजान, आई एम रियली सॉरी, हमने आपको बहुत परेशान किया, हम उसके लिए माफी चाहते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आपका कोई ना कोई दोस्त होगा ना जो होलसेलर होगा और उसके बस चूहे होंगे, प्लीज उससे बात करके हमारी हेल्प करवा दीजिए ना। हमें बस चूहे 1 दिन के लिए चाहिए, बस 1 दिन के लिए, उसके बाद हम चूहों को सही सलामत लौटा देंगे। तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो, अपना काम करो। यार रायहान, तुम्हें सिर्फ चूहे ही क्यों चाहिए? हाँ, हम कुत्ते या बिल्ली से काम नहीं चला सकते। देखो, सैनम ने मुझे चूहा लाने के लिए कहा है, उसे कुत्ता या बिल्ली चाहिए होती तो वो जरूर बताती। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इस मैटर से दूर ही रहो। उन्होंने चूहे की वजह से तो इस प्लेस को सील कर दिया है। अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। ये यहाँ पे किसने रखा? क्या ये तुमने फेंका है यहाँ पे? हाय। ये सब क्या हो रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। ये किसने लिखा यहाँ?
अरे गाइस, तुम लोग इतने कंफर्टेबल क्यों हो? आज इंस्पेक्शन डे है, तुम लोग क्या ऐसे काम करने वाले हो? अरे मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, समझ में ही नहीं आता, सुबह से एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठा, उठ जाता हूँ वापस। हम बर्बाद हो गए। अब क्या हुआ? उनकी लिस्ट में एक आइटम मिली और वो आइटम वर्कर्स के लिए रिक्रिएशन एरिया है। जी जी जाओ ढूंढो। ठीक है। कहाँ जा रहे हो तुम? वो जगह ढूंढने। वैसे वो किस जगह की बात है? मुझे वो कहाँ मिलेगा मिस जैरन, बताइए ना। मुझे नहीं पता, समझे तुम? जी जी तुम हर काम मुझसे पूछ कर आखिर कब तक करते रहोगे? मैंने क्या पूछा आपसे, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने आखिर क्या जवाब दूं। मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा या बनाऊंगा, क्या करूंगा? जी यहां देखो, हमारी कंपनी एक रिलैक्सिंग वर्क प्लेस है, हमारा एरिया कंफर्टेबल है। बिल्कुल सही कहा लैला, बिल्कुल सही कहा। कितना स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक जगह। क्या कहा? स्पेसिफिक जगह। ऐसी मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा? इन लोगों ने मुझसे ऐसी चीज मांग ली जो मैं नहीं दे सकता। मेरी नौकरी तो पक्का गई मेरी नौकरी। मैं यहां नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं। कहीं और काम मिले तो मुझे बता देना। वो मेरे पास कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं स्टोरेज रूम में, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, हमें हाँ, एक फ्लोरिस्ट तो है। तुम मेरी सुपर हीरो हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। तुम मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, जैसा कि मैं पहले हुआ करता था, तुम्हें पता है ना। अच्छा तो वो तुम थे। हाँ। यार आर यू श्योर कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये सब फ्री में करूंगा? तुमने बोला था तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हो, अब अचानक से क्या हुआ, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई? हाँ, और तुमने कहा था कि तुम अपनी जान भी दे सकते हो। यार मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद से कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, नशे में मैं कुछ भी फालतू प्रॉमिस कर देता हूँ। सुनो यार, वो यहाँ सिर्फ हमारे लिए आया है, समझे तुम? और उसके भी फोटोज महंगे होते हैं और वो हमारे फ्री में कर रहा है। एटलीस्ट बिलबोर्ड्स तो छोड़ दो यार। आकिफ, ज्यादा ड्रामा मत करो, तुम्हें सिर्फ फोटोज प्रिंट करने हैं और हम वुमेन्स राइट एसोसिएशन की हेल्प कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम है। चलो ठीक है ठीक है, वंडरफुल। ये हुई ना बात, दोस्ती करना कोई तुमसे सीखे। तो मुझे शूटिंग प्लेस डिसाइड करना है और उसके बाद एक मॉडल भी जो सोसाइटी के हर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। ऑलराइट, चलो कैटलॉग्स चेक करते हैं, वो हमने नीचे रखे हैं। मैं तुमसे कुछ कहूँ, तुम्हारे यहाँ सिर्फ एक लेडी काम करती है, ऐसा क्यों? तुम पर केस कर दूं मैं डिस्क्रिमिनेशन का? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे वाह सनम, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तुम सच में जीनियस हो यार। अगर उन्होंने परमिशन दी ना तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अलाउ नहीं करेंगे। पसंद आया? पसंद का मतलब, मैं तो यहाँ खो गया हूँ। मैं तो यहाँ पर किसी लड़की को प्रपोज भी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, कम ऑन जेजे, हम मिस डेरिन को इन्फॉर्म करते हैं। चलो चलो जेजे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे भी पता है, ये बहुत ब्यूटीफुल बना है। चलो जल्दी। अच्छा, ये तो फाइल के पेपर है। हेलो मिस्टर जॉन, किसी ने हमारी फाइल को फाड़ दिया है और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, अब हम क्या करेंगे? हाँ मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा लैला, डोंट वरी। और मैं प्रिंटर के पास आ रहा हूँ, किसी को भेजो। मिस्टर जॉन, वो स्पाई यही है, उसने दीवारों पर भी कुछ लिखा है, पेपर और प्लास्टिक बॉटल्स का कचरा भी हर जगह फैला हुआ है, लगता है बड़ी गड़बड़ है। मैं भी उसके साथ जाऊं क्या? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर लेंगे। तुम जल्दी से किसी ट्रस्टवर्दी को भेजो मेरे पास। ओके मिस्टर जॉन। ओके। कैसा शेमलेस इंसान है, हमारे ऑफिस में काम करता है और हमसे ही सैलरी लेके ऐसे काम करता है, कैसा इंसान है वो? दिस इज डिस्गस्टिंग। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बात कर रही हो, मैं तुम्हें सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। मिस्टर जॉन ने बोला है किसी भरोसेमंद इंसान को भेजो, यहाँ पे तो सब के सब बिजी है। सनेम, ये जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सब लोग काम में बिजी है और तुम टाइम पास कर रही हो। तुम अभी प्रिंटिंग हाउस चली जाओ और वहाँ से हमारी फाइल्स लेकर आओ। चलो टाइम वेस्ट मत करो, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन के खत्म होने से पहले मुझे इसे रेडी करना होगा। कम ऑन। मैं अभी जाऊँ उसके साथ? नहीं, क्योंकि तुमने ही तो कहा ना कि किसी ट्रस्टवर्दी की जरूरत है, तो मैं सोचा। नो नीड, वो मैनेज कर लेगी। हाँ बस जा ही रही हूँ। ओह जान, ये देखो। नहीं 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 यार, वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, अच्छे ऑप्शन चाहिए होंगे। अरे ये वाला देखो। अरे नहीं यार, अब हमें फोटोशूट पोस्टपोन करना पड़ेगा। नहीं, हमें शूट कल ही कंप्लीट करना होगा, अगर कैंपेन टाइम पर नहीं हुआ तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये फिर से देखो,
ये कैसा है? ये भी नहीं यार, तुम्हें कैसी मॉडल चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो एक स्पेशल वुमन होनी चाहिए जो सारी दुनिया की वुमेन्स को रिप्रेजेंट करेगी। उसके चेहरे पर खुशी और गम दोनों होने चाहिए। वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए लेकिन शो ऑफ ना करे। वो अपनी आंखों से बात करने वाली हो। मैं आपसे 1000 का नहीं 500 का चेंज मांग रही हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम भी नहीं है कि आप मुझे चेंज ना दे सके। आपको मुझे चेंज देना पड़ेगा और मैं आपको कोई टिप देने वाली नहीं हूँ। अरे जल्दी करो यार, मुझे निकलना है। आपको चेंज तो देना ही पड़ेगा। देखो वो स्ट्रॉन्ग भी हो और नाजुक भी, थोड़ी सी नकचड़ी हो लेकिन स्वीट भी हो। हाय, आपसे एक काम था। मैं यहाँ फिक्री हरिका कंपनी की फाइल लेने आई हूँ। सनम, मिस्टर जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ फाइल लेने आई थी, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। सनम, तुम जरा एक मिनट रुको, मेरा भी काम फिनिश हो गया है। हम दोनों साथ में ही ऑफिस चल लेते हैं। ऑलराइट, मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। गुड लक गाइस। थैंक यू। क्या हो गया, किस बात पे हंस रहे हो? कुछ नहीं। आज से ऑलिव ऑयल का प्राइस एकदम कम हो गया है। जी हाँ, आपको ये प्राइस और कहीं भी नहीं मिलेगा। एकदम सस्ता कर दिया है मैंने। इससे सस्ता कहीं नहीं। आइए आइए, ले जाइए, इतना सस्ता ऑयल कहीं नहीं मिलेगा आपको। आइए ले जाइए। सर देखो तो, उस बदतमीज इंसान को क्लियरेंस दे रखा है। मेरी तरफ देखो, हम सब तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करेगा, तो तुम यहाँ पर किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। देखा मेवकी बे, मैं इतने सालों तक ग्रोसर था लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। देखा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो बुरा है। हाँ, पर उसका आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब बस भी करो निहात। और ये देखिए, आटे का दाम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। इस रेट में तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आइए आइए, जो चाहे ले जाइए। आइए, ऑलिव ऑयल 800 रुपए किलो। जी दीदी, प्लीज कम इन, आइए ले जाइए। माफ कीजिए, आई एम सो सॉरी, लेकिन घर पर ऑलिव ऑयल खत्म हो गया है। सेमरा, सेमरा देखो, सेमरा मत जाओ। मिसेस सेमरा, आज के बाद तुम अपने लिए न्यू हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढ लेना। तुम्हारी विक्स अब से तो तुम खुद ही कलर कर लेना। वैसे भी वो तुम्हें सूट नहीं करता। मेलहा, चली से मुझे एक पेस्ट्री दो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जल्दी दो मेलहा, जल्दी। ये लो हनी। हाँ, रख दो रख दो। तुम्हें खानी है क्या? हाँ हाँ, खा लो तुम। माय फ्रेंड्स सुक्रान, बेये, इधर आओ। हसन, मोहम्मद, कम हियर, कम। इस्मेत, निसबरी, आप आओ। लोग, सभी लोग आ जाओ। बहुत टेस्टी है ये, प्लीज इसे खाओ। खाओ खाओ खाओ, ले लो। थोड़ी सी अहमद को भी तो दो ना। बॉन एपेटाइट। लो। अरे वाह, इसकी तो बहुत बढ़िया खुशबू है। हाँ। और मैं आपका अपना एहसास। उसे देखो, पागल हो गया है। माय डियर, मुझे पेस्ट्री का स्टफिंग वाला पार्ट दे दो ना, कॉर्नर से मत देना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। माय गॉड, भाई मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये उसूलों की बात है, मैं नहीं खाता। तुम उसूलों की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं ठीक हूँ। चलो मेवकी बे, चल के बैठते हैं। चले, चलो आ जाओ। मुझे बस एक छोटा सा पीस चाहिए था। निहान, तुम इतनी जल्दी शांत हो गए, मैं तो हैरान हो गई। मैं ऐसा ही हूँ मेवकी बे। अच्छी बात है। उसको भी एक पीस दे दूं क्या? निहान, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगा।
कहते हैं ना, फ्री चीज आखिरकार माउस ट्रैप में ही मिलता है। क्या क्या करना पड़ रहा है यार। आयहान, आयहान, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लेकर आए हो? क्या है इसमें बताओ, इसके अंदर क्या है? गेस करो। क्या सच में मुजफ्फर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुबह से मैं इन सब काम में इतना ज्यादा बिजी थी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। देखो, मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनके लिए कुछ भी करता हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ। आई होप सनम को ये काम आएगा। क्या वो चूहा इसके अंदर है? हाँ, बहुत छोटा सा है। तुम उसे देखकर घबरा जाती है, इसलिए मैंने उसे पैक कर दिया, लेकिन वेंटिलेशन के लिए थोड़े से होल्स कर दिए। डोंट वरी, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम उसे ये दे देना। आई होप सनम को ये काम आएगा। उसे कहना कि मैं उसके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, उसको कहना कि मुझे याद रखे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसे एक रोमांटिक गिफ्ट समझकर तुम उसे दे देना मेरी तरफ से। ये काटेगा तो नहीं ना? अरे डोंट वरी, ये काटेगा नहीं, बहुत शान सा है। बस चुपचाप लेके जाओ, कुछ नहीं करेगा तुम्हें। ठीक है। सनम को कहना कि मुजफ्फर यानी मैंने पकड़ कर लाया चूहा। तो क्या तुम्हें लैला ने यहाँ पर भेजा? हाँ, मैंने उसे कहा था उसे जिस पर ट्रस्ट हो उसे भेजने के लिए। वो मेरी दीदी है, मेरे अलावा किस पर ट्रस्ट करेगी? लैला तुम्हारी दीदी है? हाँ। मुझे क्यों पता नहीं थी ये बात? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं छुपाई। तुम्हें मुझसे बातें नहीं छुपानी चाहिए। बॉस, हम यहाँ काम की बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ सनम, मैं तुमसे काम की बातें कर रहा हूँ, और कोई मुझसे बातें छुपाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है? तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रही है लैला की वजह से। आप प्लीज गाड़ी रोकेंगे? क्या? आप प्लीज गाड़ी रोकिए अभी के अभी। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. अगर रूडनेस के लिए कोई पनिशमेंट होती ना तो आपको उम्र कैद होती। आप जाओ, मैं वॉक कर लूंगी। वैसे हम पहुंच गए हैं। रूड कही के मैंने सुन लिया। मिस्टर जान, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। आपको पता है किसी ने हमारी फाइल फाड़ कर फेंक दी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सनम, एक मिनट इधर आओ। क्या तुम प्रिंटिंग हाउस गई थी? हाँ, वो ये रही प्रिंट्स। मैं ये नहीं जानना चाहती, तुम्हें आखिर किसने भेजा? लैला ने। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगी, समझ गई तुम? नेक्स्ट टाइम कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। तुम यहाँ किसी से बात नहीं कर सकती। मसलन, आप एकदम परफेक्ट हैं। आपकी एजेंसी भले ही छोटी है, लेकिन हमारे बॉस को जैसी प्रॉपर्टी चाहिए वैसी है। और आपका गार्डन भी बहुत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बाकी चार कंपनी के रिजल्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। कल के पार्टी में मिस्टर फैबरी और मिसेस माइन रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे के सामने। आप अपनी पूरी टीम के साथ इन्वाइटेड हो। इट बी माई प्लेजर। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। मेरे लिए कॉफी ले आओ प्लीज। ठीक है मैम। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरी कंपनी छोटी है, लेकिन फिर भी आई हैव द एडवांटेज। डोंट वरी, यहां भी गड़बड़ होने वाली है। सनम, मैं चूहा लेकर तुम्हारे पास आ रही हूं। क्या हुआ, काम हो गया कि नहीं? डोंट वरी, मैंने कर दिया है काम। देखो उसे, वो इस जॉब को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अगर वो कामयाब हो गए तो इस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर वो इसे भी ज्यादा रेट में बेच देंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये सब अपनी जॉब्स खो देंगे। देखो, तुम श्योर हो ना कि इंस्पेक्शन फेल होगी? अगर श्योर नहीं हो तो बोल दो, मैं कुछ और करता हूँ। ठीक है, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते ना? और कौन तुम पर विश्वास नहीं करता? आयान, कहाँ हो तुम?
आवाज नहीं आ रही। अरे नहीं, हाँ, तुम्हारी वॉइस तो मुझे आ रही है, पर तुम हो कहाँ यार? पता नहीं कौन है ये, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या ये जिंदा है? हाँ ये जिंदा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चूहा लेकर आई। ऑलराइट, इसे दूर रखो मुझसे, मुझे डर लगता है। जैसे कि मुझे डर ही नहीं लगता। हाँ मुझे डर नहीं लग रहा है, वैसे भी मैं और ये चूहा मिलकर यहाँ तक आ भी तो गए। हम एक दूसरे से कितने क्लोज है ना। ऑलराइट चलो। हाँ हाँ चल रही हूँ मैं। मेरे पीछे आओ। अब जब मैं तुम्हें मैसेज करूंगी तब इसे खुला छोड़ देना। ऑलराइट, जब मैं कहूंगी तभी खुला छोड़ देना, मैं तुम्हें बताऊंगी। समझ गई तुम? कम विद मी। ठीक है। अच्छा सुनो, इसको छोड़ने के लिए एक मैसेज तो करोगी ना? ठीक है, खुला छोड़ देना। छोड़ दो उसे। ये सिग्नल समझो। तुम कब से ऐसे हो गई हो सनम? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आ रही हूँ। सनम कहाँ पर हो तुम? मिस जेरन को रिलैक्सिंग रूम देखना है। पता नहीं यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है। तुम जहाँ कहीं भी हो एक सेकंड में यहाँ पर आ जाओ जल्दी। ऑलराइट आ रही हूँ। ठीक है मैं समझ गई, तुम जाओ, तुम्हारी इशारे का वेट करूंगी। हेलो, आई थिंक वो लोग तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं, तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए, प्लीज जाओ। क्या? Come on. मिस डेरन, काश ही मैं कह सकता कि ये सब मैंने बनाया, लेकिन ये सारी क्रिएटिविटी जो है वो है सैनम की। ओह वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन इतना खास भी नहीं है, और ऐसी क्रिएटिविटी तुम्हारी ही हो सकती है। ये हम उन्हें नहीं दिखा सकते, तो अब क्या करें? हमें ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। चलो सब अपने काम पर लग जाओ। सनम, तुम तो मिस डेरन को जानती ही हो ना, उनकी बातों का बुरा मत माना। वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ नो प्रॉब्लम, तुम उसके साथ जाओ वरना तुम पर भी गुस्सा हो जाएगी। हाँ ठीक है। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। Have a nice day, my friends. Bye bye. See you. Most welcome, sir. लेकिन आप लोगों के पास employees के लिए recreation place नहीं है। क्या ये to-do list में नहीं लिखा था तुमने? Mr. Jan, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। Well, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्लेस ऑफिस में होने की वजह से employees को घर की तरह फील होता है। I'm so sorry, मुझे आपके पॉइंट्स यहाँ कम करने होंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ हाइजीनिक स्टेटस चेक करेंगे, आज के इंस्पेक्शन का ये लास्ट प्रोसीजर। ठीक है मैं ले आती हूँ। तुम्हें पता है सैनम ने एक कमाल की जगह बनाई थी स्टोरेज रूम के अंदर, लेकिन मिस जैरन ने जानबूझकर को कैंसिल कर दी, इंस्पेक्शन वालों को दिखाई भी नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पता नहीं, शायद सैनम से उन्हें कोई दिक्कत होगी। हेलो, तुम्हारा कॉल नहीं आया, इस चूहे का क्या करूं मैं? उसे जाने दो। तो क्या जाने दो इसे मैं? हेलो, चलो कोई बात नहीं, तब मैं इस चूहे को यहीं छोड़ देती हूँ। चलो मिस्टर चूहे, अब तुम फ्री हो गए, आ जाओ चूहे, यहां से निकलो, चलो जाओ। सनम, सनम क्या हुआ? सनम, सनम,
प्लीज मत रो। मेरी बात सुनो, प्लीज रो मत। देखो ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हैं ना? सनम, सनम मेरी बात सुनो, सनम। तुम्हारी ईमेल्स चेक की, ये रहे फाइल्स। अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये क्या ड्रामा चल रहा है? जी जी, चूहा आया कहाँ से? डेरेन प्लीज चुप हो जाओ, मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे बोलो बोलो, ये पे आ रहा है, ये पे आ रहा है, वो क्या कुछ है? भागो मिस एमरे, प्लीज कुछ करो, ऐसे कैसे चलेगा? वैसे भी हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना है, प्लीज बी केयरफुल। हां देखिए वो आ रहा है, आ रहा है, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, चलते हैं, 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 हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज डोंट गो, आप सब रुक जाइए। अच्छा 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 अच्छा, अब हम क्या करेंगे प्लीज बताओ। शांत हो जाओ डेरेन, रिलैक्स। मिस्टर एमरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ये हो क्या रहा है, आपको हुआ? हाँ मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपने उसे हाथ में क्यों ले रखा है? हैमस्टर है ये, माई फ्रेंड हैमस्टर, आप इसे डर रहे हैं? ये तो बहुत क्यूट है, किसी को कुछ नहीं करेगा। ये तो बहुत ही स्वीट है और क्यूट भी। ए, देखो तो इसने मेरी उंगली पकड़ ली। इसकी वजह से इतना हंगामा हो गया था ऑफिस में, बताओ। इस छोटे से दोस्त ने पूरे ऑफिस में हलचल मचा दी थी। नहीं मैं तो कहता हूँ इसका नाम रखना चाहिए, और नाम होगा जे जे, क्योंकि ये मेरी तरह स्वीट और क्यूट दोनों है। माय फ्रेंड, उस दिन मैंने एक लड़की को देखा, इतनी ब्यूटीफुल थी, क्या बताऊं तुम्हें, मैं उसे देखता ही रह गया और खो गया बिल्कुल। माय गॉड, मैं बहुत बेचैन हो गया हूं, मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, कहां मिलेगी मुझे? ओ मैं थक गई। वो लीचड़ अभी तक यहां पर क्या कर रहा है डैड? उसने शॉप अभी तक वापस नहीं की। मॉम, आपके हाथ में ये क्या है? मॉम मॉम, क्या आप उसे मारने वाली हैं? वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। बेवकूफ बे, क्या तुम्हें वो मिला? आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओह ओह, अब ये क्या हो रहा है? ये लो नेहा। थैंक यू बेवकूफ बे, वेलकम बेटा। थैंक यू डैड। आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या हुआ? हम उसे स्टोर वापस नहीं ले सकते। क्या, क्या? उसने रेट बढ़ा दिया है, कहता है कि अब उसे 1,00,000 चाहिए, 40,000 नहीं। रुको उस चीटर से जाकर मैं बात करती हूँ। नहीं, 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 कुछ नहीं करोगी। नहीं, तुम शांत हो जाओ। हमसे जो हो सकता था हमने सब कुछ किया, तुम प्लीज वहां मत जाओ। और ये सब भूलने में हमें तुम्हारे डैड की हेल्प करनी होगी। लेकिन मॉम, वो सारा दिन घर पर बैठ कर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे वो। और ये बताइए, आप इन फूलों का क्या करने वाली हैं? उन्होंने कहा कि वो गार्डन अरेंज करेंगे, रहने दो, उन्हें जो करना है करने दो, हम मैनेज कर लेंगे। सनम कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद वो घर आती ही होगी, रास्ते में होगी। बेवकी बे, बेवकी बे, मुझे कुल्हाड़ी और शावल ला कर दो। अरे हम मौज करना है, ये इतना छोटा क्यों है? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बेवकी बे, बेवकी बे, फर्टिलाइजर कहाँ पर है? बेवकी बे, मैं तो अपना नाम ही चेंज कर दूंगी, सच में। बताओ क्या चाहिए निहत? मैं छोटे पॉट्स में कुछ प्लेट्स लेकर आया था, कहाँ है वो, तुम जानती हो क्या? हाँ यही है, ये लो तुम्हारे प्लांट्स। थैंक यू मेवकी बे। मेवकी बे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने इस फूल का नाम मेवकी बे रखा है। ओ नेहा, तुम भी ना कमाल करते हो, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे डैड ना सच में बहुत अच्छे हैं। आई लव हिम सो मच।
अब पता नहीं इनका क्या होगा, सारे कार्टून मेरे घर पे हैं। सनम, सनम, आ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग सनम। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर लो, जाइए अपना काम कीजिए। सनम, तुम गाड़ी में अंदर आकर बैठोगी या फिर मैं बाहर आऊं? मेरी बस आ गई है। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ये बात आपसे डिस्कस नहीं करनी। क्या डिस्कस नहीं करना है, काम की बात? हाँ, आपने कुछ और सुना? मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। ठीक है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस काम की बात कीजिए। अच्छा, ये बताओ, तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहती हो काम के अलावा? काम के अलावा? हाँ, काम के अलावा। नहीं,